हेलो, वेलकम टू शशि गार्डन। तो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके साथ में। तो आज हमारा टॉपिक है पिटूनिया। तो पिटूनिया का समय अब जाने लगा है और विंटर हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, पर कुछ मानसून के कारण थोड़ी ठंडक बनी हुई थी, उस कारण हमारा पिटूनिया अभी अच्छी फ्लॉरिंग कर रहा था। अब फिर से तेज़ गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इस कारण से पिटूनिया देखिए किस तरीके से झुलसा गया है गर्मियों में। और मेरा तो नेट भी यहाँ से हट गया है, उसका कारण ये कि तेज़ हवा और बारिश हुई थी, तो मैंने उसे नेट को बार बार लगाया पर वो नहीं टिका, तो मुझे यहाँ से इसे हटाना पड़ा और सारा एरिया मेरा ये खुला हो गया है। तो इस कारण से यहाँ पर तेज़ धूप आने लगी और आज फिर से मैंने ये नेट लगाया है, तो इसको मैंने इस कमरे के ऊपर से लगाया है, तो यहाँ तक नेट नहीं आया। तो सारा जो भी शेड वाला एरिया है वो सारा अंदर की साइड रह गया है, तो मैं इस इन प्लांट्स को जिन्हें अब सेट की ज़रूरत है उन्हें अंदर शिफ्ट कर दूंगी और बाकी जिन्हें धूप में सहन कर सकते हैं उन्हें यहीं रखूंगी। तो आज मैं आपके साथ में पिटूनिया के कुछ सीड हार्वेस्ट किए थे मैंने, वह शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें सीड पॉट बनने लगे थे, मैंने बहुत दिनों से इन्हें देखा भी नहीं, सिर्फ पानी ही दे रही थी। तो ये देखिए इस तरीके के मुझे आज इसमें से सीड मिले हैं, तो इसमें और भी सीड पॉट बने हुए हैं, तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और तो ये देखिए जहाँ पर हमारे फ्लावर एक्सपेंड हो जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से सूख कर सीड पॉट बन जाते हैं। तो ये देखिए, और बहुत आसानी से ये टूट जाते हैं और इनको खोलते ही देखिए इस तरीके के सीड हमें मिलते हैं इसमें से। और अगर हम इन्हें जल्दी ही हार्वेस्ट नहीं करते तो यह हवा के साथ में गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये देखिए मुझे एक और सीड पॉट मिला है और इसको भी खोलने पे ये देखिए मुझे इसमें से भी ये इतने सारे सीड मिले हैं। और एक दो सीड पॉट और मुझे दिखे थे यहाँ पर, अब मैं इन्हें बचाने की कोशिश करूँगी, अगर ये बचेंगे तो ठीक है, पर मुझे लग रहा है कि मुश्किल है अब पिटूनिया को बचाना। और अगर आपके पास में बड़े बड़े पेड़ हो और उनके सहारे अगर आप रखते हैं तो ये बिल्कुल बच जाते, पर मेरे पास में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं इनको बचा कर रख सकूँ। तो ये देखिए मैंने सीड सारे हार्वेस्ट कर लिए और मैं इनको नेक्स्ट सीजन के लिए बचा कर भी रखूँगी और फिर से मैं इनको लगाऊँगी। तो इनको अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली करूँगी कि इनकी जो कटिंग्स है इन्हें भी लगाऊँगी, देखते हैं लगती है या नहीं लगती, बाकी गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है तो इनको लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर हम कोशिश तो करते रहते हैं, हमारा गार्डनर का काम ही यही होता है कि कुछ नया करके देखा जाए। तो बस मैं भी वही करने वाली हूँ, इनको और देखूँगी कि ये लगते हैं कि नहीं, बाकी इनकी हालत तो आप देख रहे हो। अब मैं सोच रही हूँ इनकी थोड़ी स्टेम में कट कर दूँ क्योंकि काफ़ी लेगी से हो गए हैं ये, और अब फ्लावरिंग तो एक दो इस पर आएगी, ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी नहीं, और जैसे ही गर्मियों की तेज़ हवा लगेगी ये झुलस से जाएंगे और ज़्यादा ख़राब होने लगेंगे। तो बस मैं इनको शेड एरिया में प्लेस कर देती हूँ। और इनको अगर आप बचाना चाहते हैं, आपके यहाँ भी इस तरीके से पिटूनिया के हाल है, तो बस इन्हें सैडी प्लेस पर रख दीजिए और कोई अब बड़े प्लांट हो उनके साथ में रख दीजिए, तो ये बच जाएंगे। इनको बचाने की कोशिश मैं भी इसी तरीके से करूँगी, पर मेरे पास बड़े प्लांट नहीं हैं तो मैंने शेड प्लेस में रखूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ में बने रहिएगा। और आप न्यू हो तो बेल आइकन के साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।